नमस्कार, मैं प्रिया। आज 14 दिसंबर। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। जनता दरबार के दौरान अधिकारियों पर खूब बरसे सीएम नीतीश। बिहार के सभी रेलवे स्टेशन बने इको स्मार्ट, मिला ISO सर्टिफिकेट। अब बिहार के स्कूलों में होगी दीदी की रसोई। सीएम नीतीश ने फिर उठाई विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। लगातार 3 शतक लगाने वाले इस बल्लेबाज के मुरीद हुए चीफ सिलेक्टर। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। जनता दरबार के दौरान अधिकारियों पर खूब बरसे सीएम नीतीश। बीते दिन सीएम नीतीश ने एक बार फिर से जनता दरबार का आयोजन करवाया था। इस दौरान सीएम नीतीश ने जनता की फरियाद तो सुनी ही, साथ ही इस दौरान वो अधिकारियों पर खूब नाराज भी नजर आए, क्योंकि आपदा संबंधी एक मामले के सामने आने के बाद उन्होंने विभाग के अधिकारियों को बुलाया और साथ ही सख्त निर्देश भी दिए। साथ ही जब पुराने और विद्यार्थियों से संबंधित मामले सामने आने के बाद सीएम नीतीश चौंक गए और अधिकारियों की क्लास लगा दी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ये जो आपदा के केस आ रहे हैं, यह जो आप भेज रहे हैं, मामला 2018 का है, तूफान से जान गई है, इसे दिखवा लीजिए, चेक करवाना चाहिए। आमतौर पर मुख्यमंत्री शिकायतों का निपटारा करने के लिए फरियादी की समस्या सुनने के बाद उन्हें संबंधित विभाग के अधिकारियों के पास भेज देते हैं, लेकिन बीते दिन ऐसा नहीं हुआ। आज बिहारी बर्थडे स्पेशल में हम बात करेंगे सोनी सिंह की। सोनी सिंह का जन्म बिहार की राजधानी पटना में 14 दिसंबर 1986 को हुआ था। सोनी सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। वो कॉमेडी शो कॉमेडी नाइट्स विद कपिल में नजर आ चुकी हैं। वो रियलिटी शो बिग बॉस 8 में प्रतियोगी के रूप में भी थी, लेकिन 5 सप्ताह के बाद बाहर हो गई थी। उन्होंने घर की लक्ष्मी बेटियां में भी मुख्य भूमिका निभाई थी। सोनी सिंह एक भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री है। बिहार के सभी रेलवे स्टेशन बने इको स्मार्ट, मिला ISO सर्टिफिकेट। बिहार झारखंड के 52 रेलवे स्टेशन अब इको स्मार्ट बनने वाले हैं। पूर्व मध्य रेल नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के निर्देशों को धरातल पर लागू कर यह उपलब्धि हासिल की है। यात्रियों सुविधाओं को बेहतर बनाने के साथ ही रेलवे स्टेशन की साफ सफाई, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण के लिए निरंतर प्रयास भी किए जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर बिहार के 52 स्टेशन पर रेलवे बोर्ड के सुझाए गए 24 पैरामीटर लागू किए गए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर इस बात की जानकारी दी है। साथ ही बताया है कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से निर्धारित पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सारी जानकारी अपडेट कर दी है। SBI ने 7026 पदों पर निकाली बंपर भर्ती। SBI में नौकरी करने की इच्छा रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए अहम सूचना। SBI ने 7026 पदों पर बंपर बहाली निकाली है। बैंकिंग जॉब के लिए जारी नोटिफिकेशन में SBI ने ग्रेजुएट महिला पुरुष अभ्यर्थी को आवेदन करने की गाइडलाइन दी है, जिसके तहत भारतीय स्टेट बैंक ने संपूर्ण भारत के ग्रेजुएट पास महिला पुरुष अभ्यर्थियों के लिए विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगा है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार SBI की ऑफिशियल वेबसाइट sbi.co.in के माध्यम से SBI ऑनलाइन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ध्यान रहे, आवेदन करने की आखिरी तारीख 29 दिसंबर है। अब बिहार में ही होगा जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट। बिहार में बीते 2 दिनों से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बाद बिहार का स्वास्थ्य महकमा भी बेचैन नजर आ रहा है, जिसके तहत ही ओमिक्रॉन वेरिएंट की गंभीरता को देखते हुए, साथ ही मामलों में हो रही बढ़ोतरी को ध्यान में रखते हुए अब बिहार में भी जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट होने वाली है। इसको लेकर IGIMS को फंड देने का काम बीते दिन कर लिया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की माने तो ओमिक्रॉन की पहचान के लिए जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट जरूरी है। अभी दिल्ली सैंपल भेजा जाता है, जांच में कई दिन लग जाते हैं। मुख्यमंत्री भी इस पर चिंता जाहिर कर चुके हैं, लेकिन बिहार में IGIMS में जीनोम सीक्वेंसिंग टेस्ट के लिए केंद्र से अनुमति मिल चुकी है। इसके लिए पूरी तरीके से तैयारी हो चुकी है, हम लोगों ने राशि भी स्वीकृत कर दी है। कुटागार शाला बिहार में आपको देखने को मिलेगा बहुत कुछ खास। कुटागार शाला उस स्थान का प्रतिनिधित्व करता है जहां भगवान बुद्ध बारिश के मौसम में अपने वैशाली प्रवास के दौरान रहते थे। खनन ने इसके निर्माण के 3 चरण को उजागर किया है। मूल रूप से यह एक छोटी सी चिता थी जो सुंगा कुंज काल के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद गुप्त अवधि के दौरान 2 चरण में कूजा मंदिर में विस्तार किया गया और अंत में गुप्त अवधि के बाद 3 चरण में कई विभाजन दीवारें प्रदान कर मंदिर को मठ में परिवर्तित किया गया था। इको टूरिज्म का हब बनेगा बिहार का यह जिला। बिहार में जिला चाहे कोई भी हो, अगर वहां पर्यटन की संभावना है तो बिहार सरकार टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम कर रही है। इसी कड़ी में अब सरकार सब कुछ ठीक ठाक रहा तो अगले साल तक जमुई जिले को इको टूरिज्म का हब बनाने की योजना के साथ काम कर रही है। इसको लेकर जिले के आधा दर्जन जगहों को इको टूरिज्म के लिए चिन्हित किया गया है। वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने जिले के अलग अलग प्रखंडों के स्थलों को चयनित कर राज्य सरकार को प्रस्ताव भेज दिया है। बताया जाता है कि कुंड ग्राम जन्मस्थान के समीप 1.5 किलोमीटर लंबा हैंगिंग ब्रिज के लटकता हुआ पुल बनाया जाएगा, जो अपने आप में आकर्षण का केंद्र होगा। बीएसएससी कार्य
कार्यालय के पास अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के कार्यालय के बाहर बीते दिन छात्रों ने जोरदार प्रदर्शन किया। इसके बाद छात्रों ने खूब धरना भी दिया। छात्रों ने इस दौरान साफ कहा है कि 2014 की बहाली को 8 साल पूरे हो गए हैं। अब तक बहाली हो रही है तो लगभग 14,000 के आसपास बहाली ली गई। उस बहाली में आयोग की तरफ से 2014 के आय और जाति प्रमाण पत्र की मांग की गई है। छात्रों का कहना है कि इतनी पुरानी आय और जाति प्रमाण पत्र कहां से ला पाएंगे। वर्तमान में जो जातीय प्रमाण पत्र है वो हम दे सकते हैं। सरकार नया एक बहाना ढूंढ रही है। एक तो 8 साल के बाद बहाली हो रही है, इसके बावजूद भी सरकार की इतनी बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। से आने वालों से है खतरा। बिहार में बीते कुछ दिनों से कोविड-19 के मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिसमें सबसे ज्यादा परेशानी राजधानी पटना बढ़ा रही है, क्योंकि पटना में सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं, जिसने अब लोगों को डराना शुरू कर दिया है। हालांकि इन सबके बीच अब सीएम नीतीश ने संभावित तीसरी लहर को लेकर बड़ी बात कही, जिसके तहत उन्होंने कहा कि बिहार के एंट्री प्वाइंट पर कोरोना जांच की व्यवस्था की गई है। विभाग को हर चीज पर पैनी नजर रखने का निर्देश दिया गया है। बिहार में कुछ मामले मिले हैं, लेकिन वो ओमिक्रॉन है या नहीं इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं हुई है। सैंपल जांच के लिए बाहर भेज दिया गया है, लेकिन वहां से अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पिछली बार की तरह तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि संक्रमितों का इलाज हो सके। तापमान में गिरावट के साथ ही प्रदेश में बढ़ी ठंड। बिहार में ठंड का आगमन भले ही इस बार देरी से हुआ हो, लेकिन अब धीरे धीरे करके ठंड अपना असर दिखाने लगा है। यही कारण है कि प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड का असर भी बढ़ने लगा है। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार न्यूनतम तापमान के बीच 2 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच गिरावट दर्ज की जा सकती है। वहीं पूरे प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में दर्ज किए जाने का अनुमान है। अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच गिरावट देखी गई है और औसत तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस बीते दिन रहा। सबसे न्यूनतम तापमान 7.5 डिग्री सेल्सियस समस्तीपुर के पूसा में दर्ज किया गया। मौसम विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार अगले 48 घंटे में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा सकती है। सुबह के समय प्रदेश के 1 या 2 जगहों पर हल्की से मध्यम स्तर का कोहरा और धुंध छाए रहने की भी संभावना जताई गई है। स्कूलों में होगी दीदी की रसोई। राज्य के स्कूलों में अब जीविका के माध्यम से दीदी की रसोई की शुरुआत होने जा रही है। फिलहाल 14 स्कूलों में इसकी तैयारी हो रही है। जीविका द्वारा संचालित हर रसोई का शुभारंभ रत्नाप्रिया प्रखंड परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि SGM दीपक मिश्रा बघा, प्रखंड विकास पदाधिकारी चंद्रगुप्त बैठा, थानाध्यक्ष सह निरीक्षक कपूरनाथ शर्मा, प्रधानाचार्य सुबोध कुमार उपस्थित रहे। शुरुआत में 150 छात्रों का पोषक भोजन बनाया जा रहा है। जीविका की प्रखंड परियोजना रत्नाप्रिया ने बताया है कि छात्रों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए साफ सफाई के साथ बढ़िया और पोषक भोजन दिया जाएगा। बघा अनुमंडल पदाधिकारी दीपक मिश्रा ने पूरे विद्यालय का निरीक्षण भी किया और सभी बच्चों से भी इस दौरान मुलाकात की। बिहार की ई विधान प्रणाली से प्रभावित हुए हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष। बिहार की योजनाओं से इन दिनों कई राज्य प्रभावित हो रहे हैं। हाल ही में बिहार में पंचायती राज के काम से कई राज्य प्रभावित दिखे थे, वहीं अब बिहार की ई विधान प्रणाली से हरियाणा के विधानसभा उपाध्यक्ष प्रभावित हो गए हैं। यही कारण है कि बीते दिन हरियाणा विधानसभा उपाध्यक्ष बिहार की ई विधान प्रणाली को देखने पहुंचे थे। इस दौरान सभापति अवधेश नारायण सिंह ने रणवीर गंगवा को विधान परिषद ई विधान प्रणाली से अवगत करवाया। इस मौके पर विधान परिषद की IT टीम के कर्मचारी भी मौजूद रहे। इसी दौरान विधान परिषद सभागार में एक बैठक भी, जिसमें ई विधान प्रणाली के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बाद हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा ने कहा है कि बिहार में यह लागू हुआ है, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा में भी सदन में बहुत जल्द इसे हम लोग लागू करेंगे। नीतीश ने फिर उठाई विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग। बिहार में इन दिनों NDA कई मुद्दों पर दो फाड़ में नजर आ रही है। यही कारण है कि जहां नीतीश सरकार किसी मुद्दे की मांग कर रही है, तो भाजपा की तरफ से उसका विरोध देखने को मिल रहा है, और यह सिलसिला लंबे समय से जारी है। हाल ही में एक बार फिर से इसका प्रमाण बिहार में देखने को मिला था, जब डिप्टी सीएम रेणु देवी ने विशेष राज्य के दर्जे की मांग से इनकार किया था। वहीं अब सीएम नीतीश ने खुद ही इसकी दोबारा मांग की है। बीते दिन जनता दरबार के बाद मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने साफ कहा कि बिहार सबसे पिछड़ा राज्य है। सबसे पिछड़े राज्य को जब विकसित राज्य नहीं बनाया जाएगा, तब तक ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कैसे होगा। अब भारत में विकसित राज्यों का ट्रांसफॉर्म नहीं होना है। विशेष राज्य का दर्जा किसी के खिलाफ नहीं, राज्य के हित में है। अकूत संपत्ति जमा करने वालों में मचा हड़कंप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि कोई भी हो, बिहार में जीरो टॉलरेंस की रणनीति से काम होगा। यही कारण है कि बिहार के सभी भ्रष्ट अधिकारियों पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी नीति के तहत भ्रष्ट लोक सेवकों पर निगरानी विभाग और आर्थिक अपराध इकाई द्वारा शिकंजा कसने का काम किया जा रहा है। पहले जहां राजस्व कर्मी, जमादार, दरोगा जैसे कर्मियों पर कार्रवाई होती थी, वहीं अब अधीक्षण, अभियंता, इंजीनियर और DTO चिकित्सक पदाधिकारी पर ज्यादा कार्रवाई हो रही है। निगरानी विभाग के द्वारा मिल रही जानकारी के अनुसार निगरानी विभाग में अब तक करीब 50 मामले दर्ज किए गए हैं, जिनमें से बड़े अधिकारी के लगभग 25 मामले हैं। वहीं आय से अधिक संपत्ति मामले में करीबन 15 DA के तहत मामले दर्ज किए गए हैं, जिनके पास से अब तक करोड़ों रुपए बरामद किए गए हैं।
बिहार में जल्द ही खुलेंगे 2 नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। कोरोना काल में राज्य के कम्युनिटी रेडियो स्टेशन ने किसानों की काफी मदद की थी। पोषण युक्त आहार और इम्यूनिटी बढ़ाने के गुर भी इसके माध्यम से प्रचारित किए गए। किसान खुद भी अपनी कहानी इसके माध्यम से शेयर करते रहे हैं। इतना ही नहीं, कुपोषण से जुड़ी योजना का भी प्रचार होता है। साथ ही मौसम की जानकारी किसानों को मिलती है, जो कि किसानों के लिए बेहद ही फायदेमंद है। यही कारण है कि बिहार में अब 2 और नए किसान कम्युनिटी रेडियो स्टेशन खोलने की तैयारी हो रही है। केंद्र सरकार ने गया और कटिहार में रेडियो स्टेशन खोलने की अनुमति दे दी है। बिहार कृषि विश्वविद्यालय से भेजे गए कागजातों को केंद्र सरकार ने दुरुस्त पाया है और इसको हरी झंडी दी है। यहाँ बड़े पर्दे पर फ्री में देखें बॉलीवुड और हॉलीवुड की फिल्में। पटना को स्मार्ट सिटी बनाने का सपना बिहार सरकार का सच होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि स्मार्ट सिटी योजना के तहत सरकार की यही योजना थी कि शहर के लोग अब पूरी तरह मुफ्त में बड़े पर्दे पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बेहतरीन फिल्मों को देख सके। इसकी शुरुआत भी अब हो चुकी है। पटना के गांधी मैदान में इसको लेकर तमाम इंतजाम भी कर लिए गए हैं, जिसके तहत ही अब यहां पर कुल मिलाकर 500 लोगों के एक साथ बैठकर फिल्म देखने का इंतजाम किया गया है। इसका औपचारिक तौर पर उद्घाटन हो गया है। इसके बाद उम्मीद यही है कि मेगा स्क्रीन पर फिल्म देखने का आनंद अब हमेशा देखने को मिलता रहेगा। CTET के पहले चरण का प्रवेश पत्र हुआ जारी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने बीते दिन सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए प्रवेश पत्र 2 फेज में जारी करने का ऐलान किया है, जिसके तहत जिन भी अभ्यर्थियों की परीक्षा पहले फेज यानी कि 16 से 31 दिसंबर के बीच होने वाली है, उनका प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया है, जिसके बाद अब छात्र आसानी से अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं जिन अभ्यर्थियों की परीक्षा 1 से 13 जनवरी 2021 तक है, उनका प्रवेश पत्र भी जल्द ही जारी किया जाएगा, जिसको लेकर बोर्ड ने सारी जानकारी साझा कर दी है। ज्ञात हो कि पहली बार CBSE द्वारा CTET परीक्षा ऑनलाइन ली जा रही है। परीक्षा 16 दिसंबर से 13 जनवरी 2022 तक लगातार ली जाएगी। पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना का मिलेगा लाभ। सिविल सेवा प्रोत्साहन राशि योजना का लाभ अब पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी मिलेगा। अब तक सिर्फ सामान्य वर्ग की महिलाओं को ही योजना का लाभ मिलता था। योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन की तारीख बढ़ा दी गई है। अब इस योजना में 31 दिसंबर तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। ज्ञात हो मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत बिहार की महिलाओं को यह लाभ दिया जाएगा। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस योजना के तहत राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को आर्थिक सहायता दे रही है जो केंद्र लोक सेवा आयोग UPSC 2021 की प्रारंभिक परीक्षा में उत्तीर्ण है। महिला एवं बाल विकास निगम द्वारा संचालित इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने की तारीख 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। गौरव है सीएम नीतीश। बिहार के एनडीए में भले ही विशेष राज्य के दर्जे की मांग को लेकर भाजपा जदयू के 2 अलग अलग विचार दिख रहे हों, लेकिन बात जब वीआईपी और हम की आई तो दोनों ने सीएम नीतीश का ही समर्थन किया है। इसी कड़ी में अब बीते दिन वीआईपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता देवज्योति ने सीएम नीतीश की तारीफ की है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि जिस तरह की अफवाहें विरोधियों द्वारा फैलाई जा रही है, उसका ना तो कोई आधार है और ना ही उसमें कोई सच्चाई है। वीआईपी पार्टी बिहार सरकार का एक अभिन्न अंग है और रहेगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार के गौरव है। बिहार में वीआईपी पार्टी एनडीए गठबंधन के साथ है। इसके साथ उत्तर प्रदेश चुनाव में भाजपा और वीआईपी के बीच छिड़ी जंग को लेकर उन्होंने कहा कि बिहार की राजनीति को यूपी से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। तेजस्वी यादव पत्नी रचेल के साथ पहुंचे पटना। शादी के बाद बीते दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पत्नी रचेल के साथ पटना पहुंचे हैं। दिल्ली में शादी के बाद रचेल पहली बार अपने ससुराल आई हैं। वहीं उनके स्वागत के लिए राबड़ी आवास में भी जोरदार तैयारी सुबह से ही देखी जा रही थी। तेजस्वी की मां और पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी 2 दिन पहले ही हालांकि पटना पहुंच चुकी थी और घर की साफ सफाई और सजावट में लगी रही, क्योंकि छोटी बहू पहली बार घर आई थी। हालांकि पहले चर्चा थी कि खरमास के बाद ही दोनों बिहार आएंगे, लेकिन अब खरमास से 1 दिन पहले वो लोग लौट आए हैं। फिलहाल यादव दिल्ली में ही रहेंगे, क्योंकि उनकी तबीयत पूरी तरीके से ठीक नहीं है। हालांकि अभी तक रिसेप्शन पार्टी को लेकर कोई खास जानकारी निकल करके सामने नहीं आई है। कार्ड में घर बैठे ऐसे अपडेट करें नया एड्रेस। भारत के नागरिक होने के नाते आपका वोटर आईडी कार्ड जरूर होगा, अगर आपकी उम्र 18 साल या इससे ज्यादा की है। ऐसे में कई बार ऐसा देखा गया है कि वोटर आईडी कार्ड में गलत एड्रेस डाल दिया जाता है, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप घर बैठे बैठे इस काम को कर सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल www.nvsp.in पर लॉगिन करें। यदि आप किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में चले गए हैं तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ न्यू या फिर ट्रांसफर फ्रॉम AC टू AC के तहत फॉर्म 6 पर क्लिक करना होगा। यदि आप एक ही निर्वाचन क्षेत्र के भीतर एक निवास से दूसरे निवास स्थान पर गए हैं तो फॉर्म 8A पर क्लिक करें। यहां आपका नाम, जन्म तारीख, राज्य निर्वाचन क्षेत्र, वर्तमान स्थायी पता सहित सभी आवश्यक जानकारियां भरनी होगी, जिसके बाद अब सबमिट पर क्लिक करके आपका एड्रेस चेंज हो जाएगा। पीएम ने किया काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन। बिहार में भाजपा नेताओं को दिखाया गया सीधा प्रसारण।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को यूपी के वाराणसी में भव्य काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन कर दिया है, जिसका सीधा प्रसारण बिहार में भी हुआ, जिसके तहत ही बिहार की राजधानी पटना में भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने देखा, जिसमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे समेत तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री के हाथों काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का उद्घाटन होते हुए देखा। प्रसारण के बाद उन्होंने कहा कि यह विश्व के लिए गौरवान्वित करने वाली बात है, आज पूरा देश प्रसन्न है। इतना ही नहीं, पीएम मोदी के लाइव प्रसारण से भाजपा कार्यकर्ता तो जुड़े ही, साथ ही आम लोगों ने भी इसका आनंद लिया। इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। एनी बेसेंट को 1921 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय ने डॉक्टर ऑफ लेटर्स की उपाधि से विभूषित किया। भारत ने 2008 में अर्जेंटीना के खिलाफ अंडर 21 हॉकी टेस्ट सीरीज की आखिरी मैच 4-4 से ड्रॉ खेला। ग्रीनहाउस गैस के उत्सर्जन में कटौती के लिए 1997 में विश्व के सभी देश सहमत हुए। सिनेमा में बंगाली और हिंदी फिल्मों के प्रसिद्ध अभिनेता विश्वजीत चैटर्जी का जन्म 1936 में आज के दिन हुआ था। भारतीय नेता इंदिरा गांधी के छोटे पुत्र संजय गांधी का जन्म 1946 में आज के दिन हुआ था। भारतीय अभिनेता राज कपूर का जन्म 1924 में आज के दिन हुआ था। परमवीर चक्र सम्मानित सैनिक और फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह सेखों का निधन 1971 में आज के दिन हुआ था। आज के दिन को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। लगातार 3 शतक लगाने वाले इस बल्लेबाज के मुरीद हुए चीफ सिलेक्टर। भारतीय चयनकर्ताओं ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के लिए टेस्ट टीम का ऐलान कर दिया है, जबकि वनडे टीम की घोषणा होना अभी बाकी है। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 19 जनवरी से शुरू होने वाले 3 मैचों की वनडे सीरीज से पहले चयनकर्ता युवा खिलाड़ियों पर कड़ी नजर रखे हुए हैं, जो कि समय विजय हजारे ट्रॉफी में खेल रहे हैं। इस टूर्नामेंट में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ का बल्ला जमकर बोल रहा है। वो टूर्नामेंट के 4 मैचों में अब तक लगातार 3 शतक जड़ चुके हैं। अपने इस प्रदर्शन के दम पर गायकवाड़ ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए अपना दावा मजबूत कर लिया है। इस बीच पूर्व चीफ सिलेक्टर दिलीप वेंगसरकर ने भी 24 साल के गायकवाड़ भारत की वनडे टीम में शामिल करने की वकालत की है। अब आइए जानते हैं सराफा बाजार और पेट्रोल डीजल के क्या थे भाव। अगर हम सराफा बाजार की बात करें तो सोने का भाव 14 दिसंबर को 22 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 46,250 रुपए था, वहीं 24 कैरेट के लिए प्रति 10 ग्राम 49,550 रुपए था। इसके साथ ही अगर हम चांदी की बात करें तो चांदी का भाव प्रति किलो 61,200 रुपए था। इसके साथ ही राजधानी पटना में पेट्रोल की कीमत 105.90 रुपए प्रति लीटर और डीजल के दाम 91.09 रुपए प्रति लीटर थे। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रिंसेस जारा, कुमार राहुल, कृष्णा दुबे, अनिल कुमार, मोहम्मद फैजान, नुन्नू कुमार, ओमकार सिंह, प्रकाश मणि तिवारी, अमजद खान, धनंजय सिंह, राजाराम पासवान, कृतेश तेजस्वी, अखिलेश कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार बिहार में पर्यटन को बढ़ावा देने में बिहार सरकार ने सकारात्मक काम किया है या नहीं। अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।